हे गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अपने चैनल शिप्रा एंड फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। सुबह के 7:30 बज गए हैं और देखिए सनराइज हो चुका है। आज मेरा फास्ट है, योगा तो नहीं है। मैं मॉर्निंग वॉक पे आज जा रही हूँ, तो आपको साथ में लेके चलती हूँ। और मैं सनराइज से लेके सनसेट तक आपके साथ रहने वाली हूँ। मेरी पूजा है तो मैं दिखाती हूँ मैं कैसे करती हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ सुबह से लेके रात तक। ओके, चलिए फिर योगा पे चलते हैं, सॉरी वॉक पे चलते हैं। अभी मैं सीढ़ियों से नीचे आ रही हूँ, अभी जा रही हूँ मैं वॉक करने को, तो आप भी मेरे साथ चलिए। ये मेरा वॉक शुरू हो गया है, ये 3 किलोमीटर का वॉक रहता है मेरा। मैं उसके बाद लोकल मार्केट है, सब्जी की लोकल मार्केट है, तो वहाँ पे मैं पहुँच जाऊँगी। तो जाने आने का 6 किलोमीटर हो जाता है मेरा ईजीली। तो अगर मैं घर पे योगा नहीं कर पाई तो मैं वॉक पे निकल जाती हूँ। मॉर्निंग का टाइम रहता है, बहुत अच्छा लगता है, व्यू बहुत अच्छा है, देख लीजिए आप, थोड़ा सा अच्छा लगता है। ऐसे कोरोना के टाइम पे घर में बंद बंद एकदम अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा कभी कभार बाहर निकल जाते हैं और बहुत कम ही लोग बाहर रहते हैं। अब देखिए मैं समर के ग्राउंड पे पहुंच आई हूँ। ये समर का फुटबॉल ग्राउंड है। अभी बच्चों के फुटबॉल स्टार्ट तो नहीं हुए हैं, लेकिन बच्चों के पेरेंट्स ज़रूर यहाँ पे आके खेलते हैं क्रिकेट। ये वॉक भी कर रहे हैं लोग, मैं भी वॉक कर रही हूँ। ये सारे पेरेंट्स ही खेल रहे हैं, यहाँ पे बच्चे नहीं हैं, क्योंकि बच्चे छोटे हैं सारे तो नहीं आ सकते हैं यहाँ पे। देखिए समर थोड़ा सा इनका भी वॉक रहता है मेरे साथ, अगर आते हैं कभी कभार तो। मैं इनका वीडियो निकाल रही हूँ क्योंकि मेरा वॉक और वीडियो साथ में ही हो रहा है। देखिए हाय बोल रहे हैं समर आप सबको। इनका वॉक ऐसे ही रहता है, बोलना पड़ता है कि थोड़ा फास्ट चलो, नहीं तो एकदम लेजी लेजी चलते हैं। ये घर पे रहते हैं तो मेरे साथ योगा कर लेते हैं अच्छे से आधे घंटे, बट बाहर तो ये ऐसे अपना ग्राउंड ही देखते रहते हैं, क्योंकि ये तो खेल नहीं पा रहे हैं, इनको अच्छा नहीं लगता है, इनको खेलना रहता है और मैं जाने नहीं देती हूँ। देखिए मास्क लगाए हैं समर्थ। अभी मेरा वॉक चालू हो गया है, मैं इस ग्राउंड के 3 राउंड मारती हूँ तो मेरा आराम से हो जाता है वॉक, और बहुत एकदम अंदर से एनर्जी फील होती है बाहर अगर वॉक हम करते हैं तो। घर पे योगा अच्छा रहता है, लेकिन वो जो बाहर का वॉक रहता है वो अलग ही उसकी फीलिंग रहती है। ये जहाँ पे मैं वॉक कर रही हूँ ग्राउंड, वहीं के वहीं पास में समर, देखिए वहीं पास में ही सब्जी मंडी है, छोटी सी सब्जी मंडी है, लेकिन फ्रेश वेजिटेबल मिलती है वहाँ पे, तो मैं सब्जी ले रही हूँ अगर बाहर तक आई हूँ। और आपको वॉक में, मैं जब वॉक कर रही थी, आपको लग रहा होगा कि इतना बड़ा मैंने थैला क्यों लटकाया हुआ है, तो ये थैला सिर्फ मेरे सब्जी के लिए था, कि अगर बाहर निकलती हूँ अगर अच्छी सब्जी मिल जाएगी तो थोड़ा सा परचेज कर लेती हूँ मैं सब्जी। तो मेरे हाथ में देखिए ग्लव्स हैं, मैंने पूरा मास्क से कवर किया हुआ है अपना फेस, और बाहर निकलती हूँ तो ऐसे ही निकलती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है बाहर निकलने में कि वो जो छोटा सा मास्क सिर्फ नाक पे और मुंह पे रहता है वो सेफ है कि नहीं, इसलिए मैं पूरा कवर करके ही निकलती हूँ। देखिए ये ऐसा दिखता है मंडी। अभी सुबह के बहुत जल्दी मैं निकल आई हूँ, शायद 8 बज रहे हैं तो, और सब्जी मंडी जो एकदम अच्छे से खुलती है तो
9 बजे के बाद ही स्टार्ट होती हैं, तो बहुत कम यहाँ पे बैठे हैं अभी सब्जी लेके। तो जितनी भी सब्जी है मैंने देखा एक दो जगह पे ही हैं, तो उतना ही मैंने खरीद लिया है, मुझे ज़्यादा सब्जी नहीं चाहिए थी इसलिए थोड़ा सा ही मैं ले रही हूँ सब्जी। मेरा सब्जी हो गया था, तो अभी रास्ते में ये एक छोटी सी शॉप भी है, तो समर्थ को आज मेरा फास्ट है, तो समर्थ को आज मैगी खानी थी, तो यहाँ पे मैं मैगी खरीद रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। एक दो चीज़ और नहीं था पूजा के लिए, मेरे पास ख़त्म था, अगरबत्ती वगैरह वो यहीं से ले रही हूँ। मार्केट में फूल नहीं था तो फूल मुझे मिला ही नहीं, मैंने बहुत जगह ढूँढा तो वहाँ पर फूल नहीं मिला मुझे। अभी मेरा सब हो गया मार्केट का सारा काम, अभी मैं घर वापस आ रही हूँ। ये देखिए समर्थ अपना टफ कोट दिखा रहे हैं, अभी मैं घर वापस आ गई हूँ, नहाना किया मैंने और अभी मैं पूजा करने बैठी हूँ। पूजा करने के पहले मैं रंगोली बनाती हूँ, देवी माँ का पैर वही बना रही हूँ। और आप सब सोच रहे होंगे कि मैं कौन सा पूजा कर रही हूँ, तो बहुत ऐसे ख़ास पूजा है ये, वैसे तो बहुत ख़ास पूजा रहती है, लेकिन ये हर महीने पड़ता है गणेश चतुर्थी, वो ये महाराष्ट्र में बहुत करते हैं इसको, ज़्यादातर औरतें इसको करती हैं, तो ये पूजा मैं हर महीने करती हूँ। ये मेरी छोटी सी प्यारी सी मंदिर जो मुझे बहुत पसंद है, इस मंदिर में गणेश हैं, शंकर जी हैं, माँ लक्ष्मी हैं, साईं बाबा हैं, जिनकी मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ। जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति यो श्रीराज मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय लंबोदर पीतांबर हरिवर वंदना सरसोंड वक्र सिंह त्रिनयना दासमाचा वटपाय सजना शंकर श्री पावा वेरवाणी रक्षा वेरवर वंदना। जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति यो श्रीराज मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। प्रणम्य शीर्षा देवं गौरी पुत्र विनायकं भक्ता वासं श्री नित्यमाकायुकामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्त द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजभक्त चतुर्थकं लंबोदरं पंचम च खष्टं विकटपीव च सप्तम विग्रहराजं च धूम्रवर्ण तथाश्रमं नवम बालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नमामि कृष्णं यपठे नर न च विग्रहय तस्य सर्वसिद्धिकर प्रभो विद्यार्थी लभते विद्याधनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते यति जपेन्द्रणपति शोधं फड्भिर्मासय फलं लभे सवत्सरेण सिद्धिं च लभते नाथ संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वाय समर्पये तस्य विद्या भवे सर्वा गणेशस्य प्रसादः। ओं गंगणपतये नमः। ओं सतीशाद्वी भव प्रीता भवानी भवमोचनी आर्य दुर्गा जया जयतिनेता शूलधाणी विनाकधाणी चित्रा चण्डघण्टा महातपा मनबुद्ध्यहङ्कारा चित्तरूपा चित्ताशिति सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्तनन्ता वामिनी भव्या भव्या सदा भवी साम्भवी देवमाता स्वरूपिणी
चिंता रत्न प्रिया सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशनी अपर्णा अनेक वर्णा पाटला पाटलावती पटांबर परिधाना कलमंजरी रंजनी अमीय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी महेश्वरी ऐन्द्री कुमारी वैष्णवी चामुंडा वाराही लक्ष्मी पुरुषाकृति विमला उत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुंभ शुंभ मैनी महिषा सुमर्दिनी मधुकैट भंती चंड मुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा सर्वदा वधावतिनी सर्वा सस्तधानी अनेका सस्तहस्ता अनेका सस्तधानी कुमारी एक कन्या किशोरी अतुल अपौड़ा प्रौढ़ा पितामाता वलक्तहु मोहोदरी मुक्तकेशी गौररूपा महाबलाग्नि ज्वाला रौद्रमुखी कालराति तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोधरी शिव दूती कराली अनंता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी सर्वशास्त्रमयी। मेरी खत्म हो गई है, अभी मैं किचन में आपको लेके चलती हूँ। मैं किचन में आज साबुदाना बनाने वाली हूँ, बच्चे भी यही खाएंगे, मेरे हस्बैंड भी यही खाएंगे। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी, आज तो नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपको दिखा रही हूँ। ये साबुदाना बनके मेरा रेडी हो गया है, तो अभी मैं भगवान को थोड़ा भोग लगा देती हूँ, फिर आपसे ये भगवान के पास का दीपक बुझ गया है, क्योंकि जब तक मैं खिचड़ी बना रही थी तब तक वो दीपक बुझ गया है। ये देखिए रात हो गया है, रात के 9 बज रहे हैं और चांद निकल आए हैं, तो ये चतुर्थी में चांद का दर्शन करके ही हम खाना खाते हैं। ये करवा चौथ नहीं है, लेकिन इस चतुर्थी में भी करना पड़ता है ऐसा। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।